बिलाईगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बिलाईगढ़ में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय औचक निरीक्षण करने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे और उपस्थित बच्चों के बारे में जानकारी मांगी तो स्कूल अधीक्षिका की बोलती बंद हो गई। वहीं अधीक्षिका ने संतुष्ट जवाब नहीं मिलने से मंत्री काफी नाराज दिखे। वहीं जांच पर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही गई, साथ ही एक शिक्षिका अनुपस्थित पाने पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही रजिस्टर कंप्लीट नहीं होने पर भड़के मंत्री जी, साथ ही साथ इस प्रकार की लापरवाही पर जल्द उचित कार्रवाई करने की भी बात कही और बीईओ बिलाईगढ़ को जांच का जवाब भी मांगा गया है। सर, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ कमियां मिली हैं? आज हम निरीक्षण करने आए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में। यहाँ जो बच्चे की उपस्थिति देखकर हमने नाराजगी व्यक्त किया है। 16 जून से छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे शिक्षा मंत्री अट्टेकाम साहब जी के निर्देश में शाला प्रोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। जिले में भी हमने शाला प्रोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उसमें हमने कलेक्टर साहब को और डीओ साहब को निर्देशित भी किया था कि अनिवार्य रूप से बच्चे की उपस्थिति हो और सतत मॉनिटरिंग हो। इसके हमने देखने आज हम कस्तूरबा आश्रम आए। यहाँ छठवीं में 0 बच्चे हैं, सातवीं में यहाँ 6 बच्चे हैं और आठवीं में यहाँ 4 बच्चे हैं। इस तरीका से आज टोटल 13 बच्चे ही पाए गए हैं। तो ये और परसों से ही यहाँ बच्चे आना शुरू किया है। ना यहाँ पाठकान बना है, बच्चे को उपस्थिति रजिस्टर नहीं है, मध्याह्न भोजन रजिस्टर नहीं है, किसी प्रकार की कोई दस्तावेज यहाँ सही नहीं पाया गया। हमने बीओ साहब को निर्देश किया है, संतोषपूर्वक जवाबदारी के साथ जाँच करेंगे और अगर गलत पाया जाएगा तो संबंधित यहाँ के प्रधान पार्टी का है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण करने आए थे और काफी कुछ कमियां दिखी है, क्या कहते हैं सर? अभी सारी जो प्रवेश प्रक्रिया है सभी प्रोसेस अभी प्रक्रिया में चल रही है सर, इसमें थोड़ी प्रोसेस लगती है। और जैसे सभी पालकों को हमने फ़ोन लगाया है लेकिन यहाँ पे जैसे बिलाईगढ़ में उन लोग ने जो हैजा का महामारी का सुने हैं तो डर से बच्चों को नहीं भेज रहे थे सर। मध्याह्न भोजन वगैरह बढ़ रहा है अभी बना है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आपका परिचय बता दें। मैं श्रीमती जमुना टंडन, अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बिलाईगढ़।